Assalamualaikum friends, बहुत ही आसान सा सवाल हमारे सामने है, यहाँ पर sin 2 theta over 1 minus cos 2 theta को select करते हैं और उसको cot theta में convert करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले numerator में है sin 2 theta, sin 2 theta का एक ही formula होता है 2 sin theta cos theta। डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं और हमें बहुत ध्यान से एक ऐसा फॉर्मूला सेलेक्ट करना है कि हमारी बात बन जाए। तो हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम cot थीटा लाना चाहते हैं तो cot थीटा उस वक्त आएगा जब हमारे पास ऊपर cos थीटा होगा और नीचे sin थीटा होगा। इट मींस वी नीड sin थीटा इन द डिनोमिनेटर, मतलब cos 2 थीटा का हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें sin थीटा आता हो तो हमारे लिए बहुत आसानी रहेगी। तो वो फॉर्मूला ये रहा, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो 1 as it is, minus sin as it is, और cos 2 theta की जगह हम लिख देंगे 1 minus 2 sin square theta। अब 2 sin theta cos theta फिलहाल as it is, minus sin square bracket को open करते हैं, negative positive makes negative 1, negative negative makes positive, 2 sin square theta as it is, 1 minus 1 बनता है 0, और 0 plus 2 sin square theta, 2 sin square theta ही होता है। So it's good that everything is going to our plan. साइन थीटा इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा क्योंकि स्क्वायर का मतलब है नीचे दो साइन आपस में मल्टीप्लाइंग फॉर्म में है, तो एक साइन को कैंसिल कर देगा और नीचे सिर्फ एक साइन रह जाएगा और उसकी पावर वन हमें लिखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 2 है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास न्यूमिनेटर में बचा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा जो बराबर होता है कॉट थीटा के। तो होपफुली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।